संत श्री वेद तत्वानंद जी महाराज हैं। मैं स्वामी जी शंकर न्यास पीठ भोपाल से हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे संभाग के समन्वयक धर्मेंद्र सिसोदिया सर हैं। मैं चाहूंगा एक बार तालियों से उनका भी आप स्वागत और अभिनंदन करें। इस यात्रा का मूल उद्देश्य हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे बीच में स्वामी जी और मैं किसी भी तरह की बाधा आपके बीच में नहीं बनना चाहता। मैं आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध करूंगा, हाँ मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, स्वामी जी का निर्देश हुआ है कि हमारे संभाग समन्वयक सर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपना मार्गदर्शी उद्बोधन हम सभी को दें, उसके बाद से स्वामी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आदरणीय सर बोलो, भारत माता की, जोर से बोलिए, बोलो भारत माता की। आज इस स्नेह यात्रा में विगत 16 अगस्त से यात्रा संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में संचालित है। इस यात्रा में हम सबको दर्शन और उनकी अमृतवाणी से आप सबको लाभ मिल रहा है। ऐसे देश के परम पूजनीय श्रेष्ठ ज्येष्ठ और जिनको अपन शायद आज हमारा सौभाग्य कि हम धराई में अपने गांव में पधारे हैं। हम कोई हरिद्वार नहीं जा सकते, हम कोई कर्नाटक बेल्लर नहीं जा सकते, हम कोई महाराष्ट्र नहीं जा सकते, हम कोई पांडिचेरी नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे संत हम सबके बीच में इस यात्रा में पूरे 52 जिलों में यात्रा संचालित हो रही है। यात्रा 16 तारीख से लेकर इस यात्रा का 26 तारीख तक समापन रहेगा। ये 11 दिन की यात्रा में प्रत्येक दिन हमने 10 गांवों को ऐसे चिन्हित किया। यहाँ हमारा वंचित समाज है, जिस यात्रा का शुरू से ही उद्देश्य स्पष्ट है कि समरसता का भाव पैदा करना और गांव में हम सबको एक समरसता के भाव के रूप में देखना। आखिर में वो बंधु हमारी तो है ना, वही पिछड़ा वर्ग हुए, वंचित वर्ग है, नहीं वो हमारा बंधु है, हमको देखना होगा, हमको उसको समझना होगा। इसी प्रकार से एक विकास वो एक जिले में 110 गांव में ऐसे ही पूरे चंबल संभाग में भिंड मुरैना श्योपुर में कल परसों मुरैना की यात्रा में रहा। निश्चित रूप से आप सबका इस यात्रा में अपार जन स्नेह मिल रहा है और हमारे जो स्वामी जी सब आए हैं उनके उद्बोधन को लोग चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, उनकी वाणी को सुनना चाहते हैं। उनको ये उनके मन में ये है कि देखो स्वामी जी बाहर से चल के आए, इतनी दूर से आए और उनका अमृत का देखने का अमृत का लाभ और उनके सुनने का अमृत की वाणी हम सबको हम सबके बीच में मिले। इसी प्रकार से पूरी यात्रा में आप सब लोगों का अपार जन समूह इस यात्रा में देखने को मिल रहा है और यात्रा निश्चित रूप से हमारी पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न हो रही है। भाई जिसका भी शासन हो, किसी का भी शासन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश शासन में 52 जिलों में यात्रा संचालित हो रही है। उनका यही कहना है कि भाई इस काम इस यात्रा में निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, उन समाज को हम लोग अपने गले नहीं मिला पा रहे हैं, उन स्थानों पर हम बैठने नहीं दे रहे हैं, उन स्थानों के माध्यम से ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वामी जी आ रहे हैं, उनके वो खुद आपके साथ में सहभोज कर रहे हैं, आपको प्रसाद दे रहे हैं, आपका प्रसाद ले रहे हैं। अभी एक गांव में हम गए थे, अभी दिमनी के पास में एक लहरू निगान था, वहाँ एक बेड़िया समाज के लोग थे, वहाँ उन्होंने अपने हाथ से महाराज जी को जूस पिलाया, क्योंकि महाराज जी अब उतना यात्रा 11 दिन की चल रही है, उनकी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने फल तो ले लिए, जूस नहीं पिया। तो एक महिला ने पीछे से कमेंट्स किया कि महाराज जी ने हमने जूस नहीं पिया। मैंने तुरंत महाराज जी को कन्वे किया, महाराज जी आप जूस को पीजिए, तो उन्होंने आधा गिलास जूस पिया। उनके मन में ये भाव पैदा नहीं हो जाए कि भाई ये समरसता यात्रा है, हम सब आप सबके जो आप प्रसाद ला रहे हैं, यहाँ से प्रसाद दे रहे हैं, हम ये समाज को ये जागृत करने के लिए यात्रा निकल रही है कि ये भाव समरसता के रूप में यात्रा चल रही है। इस यात्रा में आपकी सबकी सहभागिता बने, इस यात्रा को निश्चित रूप से आगे एक गति मिले और इस यात्रा में जो आप देख रहे हैं आपके गाँव में लग रहा है क्यों यात्रा में आ गए हैं, छोटे से संत यहाँ गए हैं, भाई आप लोगों ने नहीं समझ पा रहे कितने बड़े संत। अब आप जो संत आपके बीच में पता नहीं कितने बड़े महान संत हैं, परमानंद जी महाराज, ऐसे ऐसे विराट
जिनके आप दर्शन करने के लाभ नहीं मिल पाते, हमको समय नहीं मिल पाता, ऐसे संत इस यात्रा में चल रहे हैं और आपको दर्शनों का लाभ मिल रहे हैं। तो मैं सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से इस यात्रा का एक लाभ लीजिए, उनकी अमृतवाणी का लाभ लीजिए और उनके दर्शन का लाभ लीजिए। बस इसी से मुझसे सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत संक्षेप में सही बात में सार गर्भित बात करते हुए ये बता दिया है कि जो संत महिमा है वो क्या होती है। और हमें अगर कहा भी गया है एक घड़ी आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध, तो निश्चित रूप में हमारे बीच में ऐसे संत शिरोमणि स्वामी जी मौजूद हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहना ये है कि अगर जो बात राजनेता नहीं कर पाते, जो बात और कोई दूसरे माध्यम से नहीं होती, वो बातें हम संतों की मान लेते हैं। तो संत हमारे बीच में जैसे ही संत मौजूद है, मैं आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय परम पूजनीय संत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्नेह यात्रा में आपके गांव में यहां पर हमारे साथ आज सम्मिलित हुए हैं चंबल संभाग के जन अभियान परिषद के समन्वयक माननीय सिसोदिया जी। इस यात्रा को बड़ी सफलतापूर्वक चला रहे हैं भिंड जिला के जन अभियान परिषद के समन्वयक माननीय भदौरिया जी। यहाँ पर इस गांव के उपस्थित समस्त ग्रामस्थ तथा सेवा के साथ चल रहे अन्य अन्य सरकारी अधिकारी सेवक वर्ग, यह जो स्नेह यात्रा का आयोजन है ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ने सोचा कि गांवों में जो भेदभाव है विभिन्न कारणों से है, आर्थिक स्थिति के कारण, जातियों के कारण, संप्रदायों के कारण, धर्म के कारण, ऐसे विभिन्न कारण हैं उसके। इन कारणों से जो भेदभाव समाज में है वह समाज की बहुत बड़ी क्षति कर रहा है, अशांति फैला रहा है और वो यहाँ तक कि सरकार को सोचकर एक उपाय निकालना पड़ रहा है कि हम यह जो भेदभाव है इसको कम कैसे करें, कैसे मिटाएं। अब सरकार अपनी ओर से तो घोषणा कर सकती है कि जातियों ने झगड़ना नहीं, ये नहीं, वो तो बोलते ही रहते भी होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो धार्मिक पक्ष है, क्योंकि जातियों का मूल कहीं ना कहीं धर्मों में चला जाता है ऐसा लोगों को लगता है। धर्म के आधार पर ही जैसे कि किसी जाति के व्यक्ति को मंदिर में न आने देना, ये धार्मिक पक्ष है, मंदिर में न आने देना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रंथ में लिखा होगा या उस प्रदेश में वो प्रचलित होगा, ऐसे कई कारण होंगे और इन चीजों को सरकार की ओर से बोल करके ठीक करना संभव नहीं है। और इसी उद्देश्य से संतों को अनुरोध करके प्रत्येक जिले में एक एक संत को बुला करके अनुरोध करके बोला है कि समाज के अंदर यह जो भेदभाव के कारण जो क्षति हो रही है वो हटानी है तो कहीं ना कहीं हमें स्नेह प्रेम सौहार्द सद्भावना का विकास करना होगा। और इस दृष्टि से एक हमें भी ये कहना हमारी इच्छा होती है, लेकिन हम अपनी ओर से क्या ही पहल करें और कहाँ जाए, जितना हमारा परिचय का क्षेत्र है वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध करा दिया है तो हमें इतने गाँवों में, मतलब मैं और एक 10-20 वर्ष में इतने गांव में जाता कि नहीं मुझे भी पता नहीं, इतने अंदर अंदर सभी गांवों में जाकर के इतने समाज के साथ मिलकर बोलकर आगे बढ़ने का जो हमें भी एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, समाज का चित्र देखने का मौका मिल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। इसको कोई भी, चूंकि मुझे भी जब लगा कि ये आयोजन किया गया है तो सामने चुनाव है, 2-3 महीनों के अंदर चुनाव है, तो क्या इसके पीछे कोई चुनावी भावना है क्या, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपको ये बोलना चाहूँगा
कि अब सातवां दिन चल रहा है, छह दिन तो हो ही गए हैं, तो मुझे कहीं भी किसी भी कोने से ये नहीं लगा कि इसमें कोई चुनावी कोई लाभ का कोई पक्ष हो, क्योंकि आयोजन के लिए उस गांव के सरपंच सचिव आदि जो जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी सेवक वर्ग है वो उपस्थित रहते हैं, लेकिन स्थानिक विधायक या कोई मंत्री या ऐसे अभी तक तो एक भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। किसी पक्ष के जो भी जिला या प्रांत या प्रदेश या गांव स्तर तक जो प्रचारक या पक्ष के जो भी अधिकारी गण होते वो भी इन सभाओं में न कभी संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं, नहीं हमें उन्होंने कुछ बोला है। एक दो जन आकर के मिल के गए केवल, लेकिन वो विश्राम सरकारी जो अतिथि या विश्राम गृह वहां पर आकर के मिले थे, लेकिन उन्होंने ये बोलने का कोई साहस नहीं किया कि ये बोली वो बोली, और वो हमें ये बोलने का साहस नहीं, ये भी पक्का ध्यान में रखिए। तो इसमें इसके पीछे कोई इस प्रकार का कोई भी रंग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई चुनाव के लाभ की कोई भावना हो। समाज में एक समुदाय, एक गुट, एक जाति दूसरे जाति से यदि प्रेम स्नेह सद्भावना से व्यवहार करे तो इसको क्या लाभ होने वाला है किसी को, तो स्वाभाविक से सरकार को अर्थात राजकीय जो लाभ है किसी पक्ष को वो होते मुझे तो नहीं दिखता है। इसलिए और मैं जब भी बोलता हूँ, जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने एक संदेश भेजा था कि यदि हो सके, क्योंकि भिंड जिले में मतदान बहुत कम मात्रा में होता है, कहीं ना कहीं मतदाता सूची में सभी लोगों के नाम नहीं होंगे या है भी तो मत देने के लिए बहुत कम जाते हैं, तो समाज को थोड़ा सा साधु समाज की ओर से यदि प्रेरित किया जाए कि अपने नाम उस सूची में आने चाहिए और जब भी चुनाव होते हैं तो अवश्य ही मतदान करिए, ये हमें बहुत मौलिक महत्वपूर्ण अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार पाने के लिए बहुत रक्त हमने खोया है उसके बाद ये हमें अधिकार मिला है, नहीं तो अंग्रेजों के सरकार के समय तो ये वाला हमारे हाथ में कोई मौका नहीं था। अब हमारी सरकारें बनती है तो इसमें हमने अत्यंत आनंद से उत्साह से सोच समझ कर अच्छी सूझबूझ से मतदान करना है। आपको जिसको करना है उसी को ही करिए, इसमें किसको करना होता है तो सामान्यतः देश सबसे पहले एक हमारी इकाई है देश, ये देश उसका विकास हो, उसकी संप्रभुता और अखंडता बनी रहे, उसके बाद राज्य इकाई आती है, जिला है, तहसील ब्लॉक आदि आदि, तो इन सभी स्थानों पर विकास होता रहे। जो लोग विकास करने में समर्थ है, करने की भावना रखते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसे लोगों को ही चुनाव में जिता कर लाना आवश्यक है, फिर वो किसी भी पक्ष का हो, क्योंकि आखिर चुनाव का परिणाम विकास में ही होना चाहिए। तो ये विकास की क्षमता को देख करके आवश्यकता को देख करके मतदान होना चाहिए, इतना मैं कहूंगा, लेकिन किसी भी पक्ष को करिए या इस व्यक्ति को करिए इतना ये कहना मेरे से नहीं हो सकता। अब ये रही स्नेह की जो मुख्य जो यात्रा की जो बात है, इसमें कई सारे बिंदु है, थोड़ा समय है कि अब स्नेह प्रेम, स्नेह शब्द का अर्थ प्रेम ही होता है यहाँ पर, तो प्रेम की भावना होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, भाई के प्रति प्रेम होता है, ये प्रेम का स्वरूप अलग अलग होता है, मित्र के प्रति भी प्रेम होता है, तो ये प्रेम का स्वरूप अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर यह होता प्रेम ही है। तो यह जो प्रेम है, यह एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक परिवार का दूसरे परिवार से, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से, एक गुट का दूसरे गुट से, और एक जाति का दूसरे जाति से, एक संप्रदाय का दूसरे संप्रदाय से, और एक धर्म का दूसरे धर्म से। अब यह यहाँ पर सुनिश्चित है, सरकार ने जितने भी साधु संत महात्मा बुलाकर लगाए हैं, मेरी जानकारी में सभी हिंदू धर्म के ही साधु महात्मा लगाए हुए हैं। अब इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ऐसा दिखाई देता है कि कई स्थानों पर स्पष्ट रूप से खुले आम ऐसे भड़काऊ चीजें बोली जाती है जिसमें समाज में और विद्वेष फैल जाए, धार्मिक कलह फैल जाए,
तो सामान्यतः हिंदू धर्म के जो साधु है ऐसा बोलते नहीं, क्योंकि हमारा धर्म हमें ये सिखाता नहीं है। और इसके पहले भी दो तीन स्थानों पर, विशेष करके चूंकि लोगों को वेदों से अधिक भगवद गीता नाम तो सुना होता है, भगवद गीता के बारे में पढ़ाई उतनी समाज में होती नहीं है, लेकिन नाम सुना होता है कि भगवद गीता हिंदुओं का बहुत प्रधान ग्रंथ है, क्योंकि ये भगवान की अपनी निजी वाणी है। उसके अंदर दो तीन स्थानों का उल्लेख करके एक धार्मिक संदर्भ देकर के मैं बोलना चाहूंगा। गीता के 12वें अध्याय में भगवान का कहना यह है कि मुझे कौन प्रिय है, अर्थात भगवान को कौन प्रिय है। तो भगवान भी किसी से प्रेम करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, वह क्या? तो पहला ही शुरू करते ही पहला ही वचन, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूतों में जिसका द्वेष नहीं है, द्वेष भाव नहीं, द्वेष अर्थात यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको दूर हटाओ, ये जो भावना होती उसको द्वेष कहा जाता है। तो अद्वेष्टा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भूत का द्वेष न करे, किसी भी भूत का। उसमें ऐसा नहीं बोला है कि केवल मेरे भक्तों का द्वेष न करे, लेकिन जो मेरे भक्त नहीं उनको मार डाले, या जो हिंदू है उसका ही उसी के प्रति द्वेष भावना न रखे लेकिन दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति द्वेष भाव रखे, ऐसा वहां पर नहीं बोला है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों की ओर से कहीं पर भी यह प्रेरणा नहीं दी जा रही है, जैसे कि भगवद गीता का वचन है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूतों में जो द्वेष नहीं करता है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब द्वेष नहीं करता है तो जैसे कि किसी के प्रति द्वेष की भावना हो सकती है, ठीक है भगवान ने बोला है तो हमने इनका द्वेष करना छोड़ दिया, हमारे मन में अभी इनके प्रति ये ऐसे है वैसे दूर हटाव ये भावना नहीं, लेकिन हम उनके पास भी नहीं जाना चाहते, ठीक है वो अपनी दूरी दूरी बना के रखे, शांति से रहे यहां तक। दूसरा भगवान बोलते हैं कि मैत्रः, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, केवल द्वेष नहीं कर रहे इतना पर्याप्त नहीं है, आपने सभी भूतों के प्रति मैत्री भाव, एक स्नेह भाव, प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इनसे मेरा कुछ नहीं बनता था, अब मैंने चूंकि धार्मिक आदेश है, संदेश है, तो द्वेष खत्म कर दिया, मैत्री का हाथ बढ़ाया, ठीक है हमें बहुत अच्छे लगते हैं आप, हमें इतना नहीं कि दूर हटो या भागो या उदासीन भी नहीं है हम, हाँ ठीक है मिलेंगे, बात करेंगे, भला बुरा पूछेंगे, जो कुछ, वहां पर रुकने से नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, करुण भी होना चाहिए, अर्थात उसमें करुणा दया का भाव होना चाहिए। दया का जो परिणाम है वह ये कि जब जहां पर आपको सभी भूतों में जो द्वेष का अभाव, मैत्री का भाव एवं अभी जो करुणा का भाव है उसके अनुसार क्या करना है, तो जब भी उनको कोई कष्ट समस्या कुछ उपस्थित होती है तो मदद करनी चाहिए। दया तभी होती है, दया तो बहुत है लेकिन कोई मदद नहीं की जा रही, तो कोई दया वया वहां पर नहीं है। दया का परिणाम है मदद का हाथ बढ़ाना, तो ये मदद भी होनी चाहिए। भगवान ने सबसे पहले ये तीन शब्द लगा करके, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, तो द्वेष का अभाव, मैत्री का भाव और ये दया का भाव ये होने चाहिए, और भी आगे गुणावली का वर्णन किया है। ऐसा यदि है तो वह भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए मैं यहां से जो बात बताना चाहूंगा कि वो यह है कि धर्म के दृष्टि से यदि देखा जाए भगवान को कौन प्रिय है, ये यदि देखा जाए तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रकार से जिसका मनोभाव है, व्यवहार है, या तो कोई तो पूजा पाठ की तो बात नहीं बोलिए, जो आता है मेरे मंदिर में सर ठोकता है, माला चढ़ाता है, ये करता है वो करता है, घंटी बजाता है 10 बार 20 बार, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला है। सबसे पहला बोला है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, एक बार मंदिर की घंटी भी नहीं बजाए लेकिन चार जनों का द्वेष करने का यदि आप कम करते तो भगवान के अधिक पास में जा रहे हैं। तो इसीलिए भगवान के जो वचन है उनको मान करके चले, बाकी जो हमारे अंदर कई सारी सिस्टम बनी बैठी कि बस इतना करते पैसा लूट करके मंदिर बना के दिए, उल्टा करें, मंदिर में दान देने के बजाय अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च,
इसको करिए तो भगवान, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, तो इस प्रकार से करिए तो भगवान के आप अधिक प्रिय होंगे और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से और भी कई सारे वचन है, हमारा थोड़ा सा समय भी सीमित है और केवल एक आध्यात्मिक पक्ष, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि धार्मिक दृष्टि से ये स्नेह यात्रा कहाँ जुड़ रही है या केवल एक सामाजिक पक्ष है। हाँ, ये तो सबको भी समझ में आता है कि झगड़ा नहीं करते, प्रेम से रहते हैं तो बढ़िया से शांतिपूर्ण समाज एक स्थापित रहता है। गांव में कहीं पर भी जाए, किसी भी ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं, कोई भी आपका मदद कर देगा, सहयोग कर देगा, बच्चे यहाँ वहां जा रहे तो कोई भी हो तो वो जब स्नेह सौहार्द है तो कोई भी अपना बच्चा मान करके उसको सुरक्षित रूप से देखेगा, करेगा सब कुछ, ये ऐसा होता है। ये तो इसके लौकिक लाभ है ही। मैंने यहाँ पर एक आध्यात्मिक पक्ष रखने का प्रयास किया कि जैसे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह लाभ यह है तो यह अवश्य ही यह मनोभाव अपनाना चाहिए। इसमें जीवन का सार्थक होने का, परम कल्याण होने का इसमें यह मार्ग है और यही संदेश इस स्नेह यात्रा के द्वारा सब में पहुंचाने का उद्देश्य है। यह सफल हो यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।